दिया गया, जहां एक तरफ लगातार ये डिमांड हो रही है कि उसे उचित मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए और उन्हें यादव परिवार को न्याय मिले। दीप शिक्षा का जले, हर बच्चा स्कूल चले, हो सवेरा मिटे अंधेरा, एक नया अभियान है। पंजाब के सरकारी स्कूल विश्व स्तरीय सुविधाओं से संपन्न हो रहे हैं, आप भी अपने बच्चे का दाखिला जरूर कराएं। बेहतर शिक्षा, बेहतर परिणाम, सरकारी स्कूल पंजाब का मान। इस मामले को लगातार कई मंचों पर उठाया गया, आज भी समाज के द्वारा वहां विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कबीरधाम जिला मुख्यालय में, विधानसभा में भी हमारे साथियों ने शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाया कि इसकी एक तो उचित मुआवजा मिले। और जिस प्रकार से बीरनपुर घटना में जब आपने सीबीआई जांच की घोषणा की इसी सदन में दो दिन पहले, तो स्वाभाविक रूप से इस घटना के भी जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग हमारे कांग्रेस विधायक दल के साथियों ने उठाया और सत्ता पक्ष से इसका कोई जवाब नहीं आया, तो सभी हमारे विधायक साथी गर्भगृह में जाके निलंबित हो गए और 10 मिनट के लिए कार्यवाही रोक दी गई है और सभी हमारे माननीय सदस्य कांग्रेस दल के विधायक सभी निलंबित हो गए हैं। सीबीआई के ऊपर भरोसा, सबसे पहली बात यह है, सीबीआई बेन पिछली सरकार में, हमारी सरकार से पहले जो सरकार थी उन्होंने लगाया था कि राज्य सरकार में नोटिफिकेशन हुआ था, भारत सरकार में नोटिफाई नहीं हुआ था। हमने केवल यही आग्रह किया है, जब राज्य सरकार ने फैसला किया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसको नोटिफिकेशन करे। रही बात सीबीआई जांच की, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसकी सीबीआई जांच राज्य सरकार के अनुमति से वो कर सकती है, और कितने ही प्रकरण हैं जिसमें मैंने खुद मुख्यमंत्री के रूप में सीबीआई को जांच करने की अनुमति दी और जांच चली भी। अभी कोई गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ है और सदन में संसदीय कार्य मंत्री जी, विधि मंत्री जी गलत जानकारी दे रहे हैं। यदि राज्य सरकार ने कोई फैसला कर लिया है कि सीबीआई से प्रतिबंध हटा लिया है, उन्हीं लोगों ने इसको प्रतिबंधित किया था, अब उसे हटा लिया है, तो कोई गजट नोटिफिकेशन हुआ हो तो इस प्रकार की जानकारी आम जनता को छत्तीसगढ़ में नहीं है। एक ही विषय पर दो अलग अलग दृष्टिकोण की बात सीधी बात है, ये मुद्दा है गृह मंत्री डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी के निर्वाचन क्षेत्र का दबाने की कोशिश की जा रही है, विषय को भटकाने की कोशिश की जा रही है, पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिल रहा है और इसलिए आवाज बहुत जोर से उठ रही है कि ये भेदभाव किया जा रहा है। बीरनपुर में जब आप सीबीआई जांच करा रहे हैं तो यहां साधराम के यादव की घटना में भी सीबीआई जांच होनी चाहिए, ये हमारे माननीय सदस्यों की मांग। आप कोई भी धारा लगाएं, लेकिन ये राज्य सरकार लगा रही है, ये तो ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। इससे इस घटना से उसका कनेक्शन कोई भी हो उसकी जांच करे, जिस धारा में करना चाहे उस धारा में करें, लेकिन इस प्रकरण को दबाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए सीबीआई जांच की मांग हो रही है। उनको खुद को भरोसा नहीं है। आज ही एक प्रश्न में टोपो जो सीतापुर विधायक ने कहा, हमको विश्वास नहीं है, सत्ता पक्ष विधायक आज ही सदन में उन्होंने कहा कि हमको विश्वास नहीं है। इस प्रकार की बातें, जब सत्ता पक्ष के विधायकों को विश्वास नहीं, हम कैसे विश्वास करें? सब खड़ा हो जाए, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।
अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।